हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ ऐसी न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे आप किसी के भी बर्थडे विशेष के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया है। अब आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और 16:9 वीडियो साइज सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेटिंग पे जाना है और इसके फेड आउट को एनेबल कर लेना है। फिर आपको एडिटिंग पे जाना है और फिल स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको मीडिया पे जाना है और वीडियो में जो भी इमेज ऐड करनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया है। अब आपको सारे इमेज के टाइमिंग को थोड़ा कम कर देना है। ये हो गया है। अब आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और इसके विगनेट को एनेबल करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और इसके स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन को सही से एडजस्ट करके इसे इक्वल कर देना है। इस तरह आपको सेकेंड इमेज पे क्लिक करना है, इसके विगनेट को एनेबल करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके और इसके भी स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन को एडजस्ट करके इसे भी इक्वल कर देना है। इस तरह आपको सारे इमेज के विगनेट को एनेबल कर और उसके स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन को एडजस्ट करके उसे इक्वल कर देना है। इस तरह आपको सारे इमेज में कर लेना है। ये हो गया है। फिर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको वीडियो में जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करनी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्लासिक ट्रांजिशन पे जाना है और इसके थर्ड वाले को ले लेना है। इस तरह आपको सेकंड प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको ट्रांजिशन पे जाना है और क्लासिक ट्रांजिशन पे जाकर उसके थर्ड वाले को ले लेना है। इस तरह आपको सारे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेना है।
ये हो गया है। अब आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, जिसे अपने वीडियो में यूज करना है। ये हो गया है। अब आपको बैक आ जाना है और इसके ट्रांजैक्शन इफेक्ट को चेंज कर लेना है। तो आपको ट्रेवल एंड एक्टिविटी पे जाना है और इसके फर्स्ट वाले को ले लेना है। इस तरह आपको सारे में ऐड कर लेना है। ये हो गया है। अब आपको लेयर पे जाना है और इफेक्ट पे जाना है और ब्लर वाली इफेक्ट को ले लेना है। इसे फुल स्किन कर देना है, फिर सेटिंग पे जाना है और इसे 5 कर देना है और इसे फुल वीडियो तक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है और इसे थोड़ा कम कर लेना है। ये हो गया है। अब आपको फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और एक टेम्पलेट ले लेना है। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये हो गया है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और इसे फुल स्किन कर देना है। फिर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पे जाना है और इसे स्क्रीन कर लेना है। फिर आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपने जो एक्सपोर्ट वीडियो की थी उसे ले लेना है और इसे यहाँ पे सही से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको क्रॉपिंग पे जाना है और इसके मार्क्स को एनेबल करके और इसे क्रॉप करके सही से, और इसे यहाँ पे आप सही से एडजस्ट कर देना है। इसे थोड़ा छोटा कर लेना। ये हो गया है। अब आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। फिर आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और क्रॉपिंग पे जाना है और जो भी भाग बाहर निकली हुई है उसे क्रॉप करके हटा देना है।
ये हो गया है। अब आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है और इसे थोड़ा कम और इसे थोड़ा हाई कर लेना है। ये हो गया है। तो इस प्रकार ये वीडियो बनकर तैयार हो गई है। फिर आपको अगर ऑडियो पे इस पे कोई ऑडियो सॉन्ग ऐड करनी है तो ऑडियो पे क्लिक करके उसे ऐड कर लेना है। मैं टेम्पलेट में ही सॉन्ग को ऐड कर चुकी हूँ इसलिए नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, जाते जाते अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।